हैव वंडरफुल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू केसेस टुडे सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 17 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है गाइज, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वहाँ आते ही है। ये जो करंट अफेयर का शो है कैसा बनाया हूँ मैं, आप देख लो, ठीक है। सबसे पहले टॉपेस्ट करंट अफेयर लेता हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके साथ आपको विजुअल इफेक्ट मिलेंगे, है ना। उसके बाद स्टैटिक मिलेंगे डिटेल में, हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक। उसके बाद उस करंट अफेयर से रिलेटेड आपको टॉपिक भी मिलेगा, मतलब होल सोल प्रोग्राम, है ना, 20-25-30 मिनट का यही आपको मिल जाएगा, है ना। डेली होता है, फिर उसके बाद संडे को वीकली भी होता है। तो देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे, टुडेज थॉट ऑफ द डे। सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है, सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है जिसका प्रयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। यू नो वेरी वेल कि शिक्षण ही एक वागने से दूध है। शिक्षण हा एक वागने से दूध है, जो कोणी पिनार तो गुरगुर नाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ने म्हटलं है, वाचाल तर वाचाल। तो गाइज आपको पता है कि जितने भी तरक्की किए हैं अपन ने, इनोवेशन किए हैं, है ना, अपडेट हुए हैं, मंगलयान में गए हैं, मंगल में गए हैं, मून में गए हैं, और अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए और किसके भी लिए, एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्किल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गाइज जो कर रहे हो वो करते रहो, अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको गाइज विनम्र विनंती है कि जो कोई ये वीडियो देखता है उसे लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। वैसे ही साथ में बेल आइकन को दबाना है, आपको फ्यूचर की वीडियो अपडेट जरूर मिलेगी, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वी स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम इन द स्टेट टू टेक कल्चर ऑफ फुटबॉल टू द ग्रास रूट्स। फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर स्तर तक ले जाने के लिए किस राज्य सरकार ने सभी के लिए फुटबॉल कार्यक्रम शुरू किए। तो किसने स्टार्ट किया गाइज, द आंसर इज ओडिशा गवर्नमेंट ने किया। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक लॉन्च किया है फुटबॉल फॉर ऑल, ये प्रोग्राम है उनके फुटबॉल के कल्चर को प्रमोट करने के लिए। यहाँ देखो ओडिशा की बात आई है ना, तो ओडिशा के बारे में थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं। ओडिशा का कैपिटल है भुवनेश्वर, उसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा में विलर द्वीप है, विलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर रख दिए थे। एपीजे अब्दुल कलाम का भी बर्थ आया था, है ना, 15 अक्टूबर को, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ओडिशा में चिल्का लेक है, चिल्का लेक है, और पृथ्वी वन का मिसाइल का परीक्षण यही किया गया था, ठीक है, इम्पोर्टेंट है गाइस। उसके बाद स्कीम कुछ इम्पोर्टेंट है ओडिशा में, जैसे कालिया पीटा अम्मा घरे एलईडी स्कीम, है ना। ये स्कीम कहां से रिलेटेड है, ओडिशा से ही रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज लॉन्च टोयोटाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट ऑन फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। टोयोटो इज द कंपनी ऑफ विच कंट्री। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फ्लेक्स फ्लू स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टोयोटो का अपनी तरह की एक पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। टोयोटो किस देश की कंपनी है, तो किस देश की कंपनी है गाइस टोयोटो, द आंसर इज उस देश का नाम है जापान, ठीक है। तो जापान की कंपनी है टोयोटो, है ना। तो टोयोटो ने क्या किया है, क्या किया है, उसकी पहली तरह का एक पायलट प्रोजेक्ट चालू किया है इसके ऊपर, फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, है ना। और इसको लॉन्च किसने किया है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी। ये नितिन जयराम गडकरी जी है, ये कहां से जीत के आए, ये लोकसभा एमपी है, लोकसभा एमपी है नागपुर महाराष्ट्र से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट देखो। हु अनवील 14 फीट हाई स्टैच्यू ऑफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण एट द सिताब दायरा सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार। बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया, तो किसने किया गाइस, उनका नाम है अमित शाह।
तो अमित शाह जी ने अभी रिसेंटली बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है सारण और एक जगह है सिताब दायरा, उसमें लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की क्या किया है, 14 फीट हाई स्टैचू को अनावरण की, ये और ये अपने अमित शाह, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, अमित शाह होम मिनिस्टर है एंड कॉर्पोरेशन अफेयर्स मिनिस्टर भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक लीलैंड हैज पार्टनर विथ होम टू डेवलप द हाइब्रिड ईवीएस यूजिंग टर्बाइन टेक्नोलॉजी। अशोक लीलैंड ने टर्बाइन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हाइब्रिड ईवीएस विकसित करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है, तो किसके साथ किए भाई गाइस पार्टनरशिप, द आंसर इज आईआईटी मद्रास के साथ। तो आईआईटी मद्रास के साथ पार्टनरशिप करके किसने किया है, अशोक लेलैंड ने किया है और ये डेवलप करने वाले हैं हाइब्रिड ईवीएस। हाइब्रिड ईवीएस किसका यूज करके, कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करके, टर्बाइन टेक्नोलॉजी का यूज करके, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी इनॉग्रेटेड द सुपर किंग एकेडमी एट द एमएस धोनी ग्लोबल स्कूल इन विच स्टेट। महेंद्र सिंह धोनी ने किस राज्य में एमएस धोनी ग्लोबल स्कूल में सुपर किंग एकेडमी का उद्घाटन किया है, तो किस राज्य में किया है गाइस, द आंसर इज उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। रिसेंटली अभी तमिलनाडु में एमएस धोनी ग्लोबल स्कूल में क्या किया है, सुपर किंग एकेडमी का इनॉग्रेशन किया है, किसने, महेंद्र सिंह धोनी ने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक टॉपिक देख लेते गाइज, एस बैंक के रिलेटेड है ना, यस बैंक इन न्यूज 2022। अब रिसेंटली यस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने प्रशांत कुमार जी, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ऐसा मंजूरी दी है आरबीआई ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट न्यूज, एसबीआई को सॉरी यस बैंक को आरबीआई की तरफ से अप्रूव मिला है कि आप अब आर गांधी को पार्ट टाइम चेयरमैन बना सकते हो। नेक्स्ट न्यूज देखो, कैस्टलायर ने कैस्टलर ने टाइप किया है यस बैंक के साथ, इसलिए डिजिटल इको स्क्रॉप सर्विस के लिए, तो डिजिटल इको स्क्रॉस डिजिटल स्क्रॉप सर्विस के लिए टाइप हुआ है कैस्टलायर किसके साथ मिलके, यस बैंक के साथ मिलके। उसके बाद यस बैंक ने अनाउंस किया है कि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं सेलर ऐप के साथ, और ये सेलर ऐप क्या है गाइज, सेलर सेंट्रिक इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है और ये प्रमोट करने वाला है ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। नेक्स्ट पॉइंट, यस बैंक एंड रुपे इन्होंने क्या किया है, ये दोनों मिलके इंटर हुए कहां पे, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में, है ना, किसके साथ मिलके, कार्ड 91 के साथ मिलके। तो यस बैंक एंड रुपे इंटर इनटू द स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन विद द कार्ड 91। उसके बाद यस बैंक ये प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक है, उन्होंने एग्री इंफिनिटी प्रोग्राम स्टार्ट किया है और ये जो कौन से सेक्टर के लिए किया है, फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किया है। ये काम कौन से करने वाले हैं, डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन का काम करने वाले। उसके बाद एच बैंक एंड पैसा बाजार इन्होंने एमयू साइन किया है और ये लोग ऑफर करने वाले प्री क्वालिफाइड रिटेल फाइनेंसिंग को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, एनआईपीएल एंड वर्ल्ड लाइन एस्टैब्लिश अ कोऑपरेशन ड्यू टू व्हिच इंडियंस विल सून बी एबल टू मेक पेमेंट थ्रू UPI across। NICL और वर्ल्ड लाइन ने एक निगम की स्थापना की जिसके कारण भारतीय जल्द ही डैश में UPI के माध्यम से भुगतान करने में समक्ष होंगे। तो कहां पे अभी UPI के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, द आंसर इज यूरोप में, है ना। तो ऐसा करने के लिए NIPL ने एंड वर्ल्ड लाइन ने क्या किया, कॉपरेशन किया है और वो अभी रिसेंटली पूरे इंडियन, अगर वहां इंडियन यूरोप में रहते होंगे तो अभी वो पेमेंट कर सकते हैं UPI से। UPI मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज ऑर्गेनाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्किलिंग इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड फॉर गर्ल्स, बेटिया बने कुशल इन न्यू दिल्ली। लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेटिया बने कुशल नई दिल्ली में किसने आयोजित की, तो किसने आयोजित की गाइस, किसने ऑर्गेनाइजेशन किया, ऑर्गेनाइज किया है, द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिसेंटली कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किया है, किसके ऊपर, स्किलिंग इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड फॉर गर्ल्स, बेटी बने खुशहाल, कहां पे, न्यू दिल्ली में। ये देखो, ये है ऑर्गेनाइजेशन, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानेसर एंटी टेरर 2022 एक्सरसाइज इज कंडक्टेड अमॉन्ग द मेंबर ऑफ विच कंट्री। मानेसर आतंकवादी विरोधी 2022 अभ्यास किन देशों में सदस्यों के बीच आयोजित किया जाता है? तो किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है, किन ऑर्गेनाइजेशन में होता है? द आंसर इज एससीओ। एससीओ में जितने भी कंट्री है उनके बीच में भी रिसेंटली मानेसर एंटी टेरर 2022 एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, यह है उसका एक्सरसाइज का थीम। तो यहां देखो गाइज, एससीओ की बात आई है तो एससीओ के बारे में देख लेते हैं। एससीओ का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका फाउंडेशन हुआ था 2001 में, हेडक्वार्टर बेजिंग चाइना में है। सेक्रेटरी जनरल है झैंग मिंग। एक कहां से बिलोंग करते हैं? चाइना से बिलोंग करते हैं। टोटल कंट्री है एससीओ में नाइन। कौन थे देख लेते हैं, ईरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, एससीओ समिट 2021 का दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ था। अभी 2022 का एससीओ समिट समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ और अगले साल 2023 में एससीओ समिट इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको किसने फाउंड किया था? 5 मेंबर कंट्री ने, है ना, कौन थे? चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान ये 2017 में इसको ज्वाइन हुए थे। ठीक है, अब ये जो नाइन कंट्री है उसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूं मैं। एक ट्रिक है पीक इन कुर्ता। तो पीक इन कुर्ता ये ट्रिक है जो जितने भी कैपिटल अल्फाबेट्स है उसके वो कंट्री है पीक इन कुर्ता। तो देखो, पी मतलब होता है पाकिस्तान, आई मतलब होता है इंडिया, सी मतलब होता है चाइना एंड के मतलब होता है कजाकिस्तान। ठीक है, तो पीक का फुल फॉर्म है पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान। इन का फुल फॉर्म है ईरान, है ना, एंड के मतलब होता है किर्गिस्तान, यू मतलब होता है उज्बेकिस्तान, आर मतलब होता है रशिया एंड टीए मतलब होता है तजाकिस्तान। ठीक है, तो पीक पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, इन ईरान, कुर्ता किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अभी एससीओ था, है ना, न्यूज में था 2022 में। तो 2022 में जितने भी न्यूज थे इंपॉर्टेंट वाले वो मैंने आपको आपके सामने प्रेजेंट किया। तो देख लेते हैं, सबसे पहले संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 20वें नंबर का मीटिंग हुआ था प्रोसिक्यूटर जनरल लोगों का। ये कहाँ पे हुआ था? अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। उसके बाद इंडिया 2023 में एससीओ समिट का होस्ट कंट्री है। उसके बाद वाराणसी को नॉमिनेट किया गया है फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल बोल के ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 22-23। ठीक है, एससीओ समिट 2022 जो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था ऐसा घोषणा किया। उसके बाद संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुपिंग है, इसमें ग्रुपिंग है ईरान एंड बेलारस टू बी न्यूएस्ट एससीओ मेंबर। तो अभी रिसेंटली न्यूएस्ट एससीओ मेंबर कौन कौन ज्वाइन हुए? ईरान एंड बेलारस। ठीक है, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर अपने राजनाथ सिंह जी है, ये तास्किन उज्बेकिस्तान में गए थे किस लिए? अटेंड करने के लिए एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग की। देन वाराणसी को डिक्लेयर किया गया, नॉमिनेट किया गया था, फिर अभी डिक्लेयर किया था ये फर्स्ट कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल है एससीओ 2022-23 का। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसको 8 वंडर ऑफ एससीओ 2022 में शामिल किया। ठीक है, उसके बाद चाइनीज डिप्लोमेट झैंग मिंग, ये चाइना से बिलोंग करते हैं, इनको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है एससीओ का। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया, है ना, इंडिया अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ काउंसिल ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रैट्स एससीओ फॉर 1 ईयर। तो रैट्स एससीओ एक साल के लिए चेयरमैनशिप किसके पास है? इंडिया के पास है। और रैट्स एससीओ का फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ईरान बिकम द 9th मेंबर ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ईरान ये 9वां मेंबर बना है का संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक देख लेते गाइस, है ना, स्टैटिक के तौर पर आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसका फाउंडेशन हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। कहाँ रहते हैं ये? बुल्गारिया में रहते हैं। फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गीता गोपीनाथ थी। उसके बाद चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है अभी रिसेंटली?
पियरे ओलिवर गोरिंचा रहते हैं, कहाँ ये फ्रांस में रहते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट आईएमएफ कौन है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। उसके बाद आईएमएफ में टोटल मेंबर कंट्री 190 है, लेटेस्ट में ज्वाइन जो हुआ कंट्री उसका नाम है एंडोरा। उसके बाद आईएमएफ कुछ रिपोर्ट जारी करता है, जैसे कि पहला है ना ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, सेकेंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ना। उसके बाद आईएमएफ में 5 करेंसी यूज किए जाते हैं, मतलब उसको क्या बोला जाता है, बास्केट ऑफ 5 करेंसी। किसके किस फंक्शन के दौरान, स्पेशल ड्रॉइंग राइट एसडीआर के दौरान। और ये 5 करेंसी कौन कौन थे गाइज, यूएस डॉलर, जापानीज एंड, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज यॉन एंड यूरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ऑब्जर्व, विश्व गठिया गठिया दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है हर साल गाइस, द आंसर इज ये हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 12 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है और उसका थीम है इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन। ठीक है, तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ये हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। थोड़ा देख लेते हैं, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे इज अ ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस इवेंट ऑर्गेनाइज एवरी ईयर ऑन 12th अक्टूबर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दी आर्थराइटिस इट्स इम्पैक्ट ऑन वंस लाइफ एंड एजुकेटिंग पीपल दी सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिंग मेजर्स एंड गाइडिंग फॉर द अर्लियर डायग्नोसिस टू कॉप अप एंड एनी फर्दर कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो थोड़ा बहुत भी है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना है कि क्या होता है आर्थराइटिस की बीमारी और कैसा होता है और ये सिंगल कैसे क्या है इसके सिम्टम्स है, ये आपके बारे में उसको 12 अक्टूबर को पूरा डिटेल में आपको बताया गया था और हर साल होता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई हैज इश्यूड दी केवाईसी नो योर कस्टमर गाइडलाइंस अंडर सेक्शन डैश ऑफ दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियमन 1949 का धारा डैश के तहत केवाईसी दिशा निर्देशक जारी किया है। तो किस सेक्शन के अंतर्गत बोला है कि केवाईसी गाइडलाइंस होता है आरबीआई में, द आंसर इज सेक्शन 35A। तो आरबीआई ने इशू किया है केवाईसी गाइडलाइन कौन से सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 35A और किस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के। यहाँ देखो गाइज, आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई के बारे में देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा। आरबीआई मतलब होता है गाइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई को सेटअप किया था हिल्टन यंग कमीशन ने, फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के सर ऑसबोर्न स्मिथ, रहते कहाँ थे ये, ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। पहले इंडियन गवर्नर है उनका नाम है श्रीदेव देशमुख। अभी रिसेंटली करंट चेयर गवर्नर है आरबीआई के 25वें नंबर के, उनका नाम है शक्तिकांत दास। आरबीआई में 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, जैसे कि टी रविशंकर, मुकेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव। ठीक है, फिर उसके बाद आरबीआई के 5 सब्सिडरी है। आरबीआई के कितने सब्सिडरीज है, 5। पहला डीआईसीजीसी, उसके बाद आरबीबीएन, एमपीएल, रेबिट, इफ्टास एंड आरबीआईएच। उसके बारे में फुल फॉर्म देख लेते हैं, डीआईसीजीसी क्या है। डीआईसीजीसी है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बीआरबीएन एमपीएल है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। रेबिट है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इप्टास है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। और आरबीआईएच है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया में 4 करेंसी नोट प्रिंटिंग है, 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और 2 आरबीआई के पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 2 करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस है, कहाँ पे है, नासिक महाराष्ट्र में एंड देवास मध्य प्रदेश में। और आरबीआई के पास 2 है, वो कहाँ पे, मैसूर कर्नाटक में है और सालबोनी वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 4 मिंट है कॉइन्स के, कहाँ कहाँ है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा। ठीक है, MHCN, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, ये कॉइन्स मिंट है। कॉइन्स आर मिंटेड इन 4 मिंट्स ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता एंड नोएडा। तो ये थे गाइज अपने टॉप करंट अफेयर प्लस स्टैटिक प्लस टॉपिक। ठीक है,
होलसोल प्रोग्राम 21 में है और मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइज, है ना। ऐसे ही जुड़े रहो केसी स्टडी सर्कल के साथ, एंड फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए क्या करना है, लाइक जरूर करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, लाल बटन को दबाना है। और फ्यूचर के वीडियो के अपडेट चाहिए होंगे तो आपको बेल आइकन को दबाना है और जरूर दबाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, सबका मंगल हो एंड सब में मंगल मित्र की भावना। थैंक यू।